So, दोस्तों यूरो का क्वार्टर फाइनल समाप्त हो चुका है और हमें मिल चुके हैं सेमीफाइनलिस्ट। चार सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं और हम आज उन सेमीफाइनलिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़ी बहुत, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा हमारा क्वार्टर फाइनल्स में, क्वार्टर फाइनल की कुछ बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हो रही है, कुछ गंदी गलीच, मतलब इंग्लैंड पोर्चुगल, ऑब्वियसली पोर्चुगल तो नहीं, पोर्चुगल अच्छे खेले, फ्रांस, इंग्लैंड एंड फ्रांस जो जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही हमें धोखा दे रही है, मतलब क्या बोल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पहले मैच से, बिकॉज तुम लोग का मूड भी थोड़ा बिगड़ जाएगा अगर मैं सीधे पोर्चुगल और फ्रांस से बात करूंगा। तो मैं पहले बात करूंगा स्पेन वर्सेस जर्मनी। सो ये मतलब ये टैक्टिक्स बहुत ही अच्छी थी इन लोगों की, पहले रख दिया स्पेन वर्सेस जर्मनी, सबको मजा आने वाला था और आया भी, ऑब्वियसली व्हाट अ मैच भाई, टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ था वो। और उसके बाद दिखा दिया हमें पोर्चुगल और फ्रांस, उसके बाद दिखा दिया इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भाई, वो भी ठीक थी, और नेदरलैंड टर्की वो बहुत ही अच्छी गेम थी, मतलब स्टैंडर्ड से जिस तरह का यूरो घटा है भाई उसके स्टैंडर्ड से बहुत ही अच्छी गेम थी वो, एक्साइटिंग थी भाई वो गेम भी। तो पहले बात करते हैं हम स्पेन वर्सेस जर्मनी की। सो स्पेन वर्सेस जर्मनी का मैच बहुत ही अच्छा था भाई, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैच ये टूर्नामेंट में, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर बोलूंगा, बिकॉज ये मतलब ये लव जो है ना बेस्ट वो दिखे नहीं इस यूरो में। सो मुझे बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। सो स्पेन वर्सेस जर्मनी का मैंने फर्स्ट हाफ देखा था, फर्स्ट हाफ गोललेस था लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग गोललेस था, और ये हाफ में नहीं, ये मैच में एक ट्विस्ट क्या था कि साने खिला था, मतलब आप समझो आप वर्ड्स की तरह फ्लोरियन वर्ड्स की जगह आप साने को खिला रहे हो भाई। नागल्समैन को पता नहीं क्या हो गया था भाई, वो सोच रहा था ये 2017 है जहाँ साने फाड़ रहा था ना 17-18-19 में, तो भाई मतलब उस वो मतलब पता नहीं चला कि क्या कर दिया उसने। यस दैट इज आईएस वन थिंग जो जर्मनी ने सेकंड हाफ में अच्छा किया, बिकॉज जब वर्ड्स आया ना, जब मतलब सेकंड हाफ में चेंजेस करके वो टीम अच्छी बनी तो जर्मनी बहुत ही अच्छी थी भाई, और वो एक्स्ट्रा टाइम में भी जर्मनी बहुत सॉलिड दिखी थी भाई, स्पेन के मामले में बहुत सॉलिड थी जर्मनी, बट इवेंचुअली स्पेन मरीनो ने वो गोल मार दिया और काम खत्म हो गया भाई। और पहले मतलब मैच शुरू हुआ और 6 मिनट में वो क्रूस का टैकल आपने देखा ही होगा, ये देख लो, और वो बहुत ही हॉरेंडस था, मतलब वो उसको कार्ड नहीं मिला यू नो, और काफी लोग बोल रहे हैं कि मैड्रिड वंस अ मैड्रिड लेजेंड ऑलवेज अ मैड्रिड लेजेंड, उसने पेड्री को इंजर्ड कर दिया, बट वो वैसे बात नहीं है, वो एक खेल का मतलब भाग है, वो हो सकता है किसी भी प्लेयर को, और वो हुआ या भाई पेड्री उसने वो माफी मांगी थी बाद में, ये गेम का भाग है, सो इट्स नॉट लाइक हाँ भाई वो उसने जानबूझ के किया, वो नहीं होता, वो गेम खेलते वक्त हो जाता है कभी कभी। सो अभी उसके बाद मैच एक्साइटिंग हुआ था, दोनों टीम पोजिशन रख रही थी लेकिन उस पोजिशन का कुछ मतलब था, कुछ काम था, और वो उन्होंने दिखाया था स्पेन ने 18 शॉट मारे थे उसमें से 6 ऑन टारगेट थे, शॉट मतलब बहुत ही अच्छे थे, और जर्मनी ने मारे 23 शॉट उनमें से 5 ऑन टारगेट थे और उसमें से एक गोल भी आया था। सो बेसिकली ये मैच बहुत ही अच्छा हुआ था, फॉल भी बहुत बड़े हुए थे, 17-22 मतलब करीब करीब 40 फॉल हुए थे और पासेस भी अच्छे थे, मतलब ये कंपेरेटिवली ये कॉम्पिटेटिव मैच हुआ था, और पोजीशन भी अच्छे थे दोनों के, मतलब लगा लो 50-50 ही थे, 48-40-52 ऐसे ही थे। सो इट्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट गेम्स, और इसमें लामिन यामाल बहुत ही अच्छा हाथ था भाई, और किमिच भाई उसने रोका था, सो उसको भी हैट्स ऑफ करते हैं, और मिडफील्ड बहुत ही अच्छा था, मुसियाला फाड़ रहा था भाई, मतलब मुसियाला के साथ वर्ड्स होता ना भाई ये गेम कुछ और ही होता, व्हाई डू यू इवन ब्रिंग साने यार, वर्ड्स इतना अच्छा खेल रहा है तुम्हें साने के लाने की क्या जरूरत थी भाई। सो वर्ड्स जब बाद में आया था ना मुसियाला के साथ उसने बुंड फाड़ दिया था भाई, वही मतलब एक टाइम वो था कि हाँ भाई ये अच्छा हुआ भाई, मतलब क्या भाई क्यों लाया था तुमने ये समझ भी नहीं यार, और एंड्रिज को नहीं खिलाया था तुमने, एवर्ड्स को बेचारे को उस बेचारे को मतलब हाँ लिंक अप कर ले भाई, वैसे बोल रहे थे भाई कैसे करेगा भाई वो। सो इस गेम में यही है कि आपने साने को क्यों खिलाया था, मतलब बेसिकली वही था, वर्ड्स को हिलाना चाहिए था, डायनामिज्म होता और मतलब डायरेक्ट होता है, बट उसने भी कुछ सोचा होगा, नागल्समैन बहुत ही अच्छा कोच है नॉकआउट के लिए, सो ये ऑब्वियसली उसने कुछ सोचा होगा, बट वो आज नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं उसको रंग नहीं लाया, सो हम ये बोल रहे हैं अगर वो रंग लाता तो मास्टर क्लास बोलते हैं, सो या इट्स लाइक द लाइफ इज लाइक दिस यू नो। सो उसके बाद गोल आया था भाई यमाल का, असिस्ट 3 असिस्ट दे चुका है लौंडा, 16 साल की मतलब उम्र में उसने फुटबॉल खा लिया है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, और निको विलियम्स अच्छा खेला लेकिन उतना अच्छा नहीं जो निको विलियम टिपिकल निको विलियम परफॉर्मेंस वो नहीं था, और येलो कार्ड बहुत ही थे भाई, स्पेन को 5 येलो कार्ड मिले थे, सिमोन को मिले थे, रूडिगर को एक मिला, टोनी क्रूस को उसके आखिरी मैच में मिला था, और डेनी कारवाल को रेड कार्ड मिला था। सो मैच की बात करेंगे तो उसमें जब फर्स्ट हाफ एक्साइटिंग था मैंने पहले ही बोला था, और पेड्री इंजर्ड हुआ ना डेनी ऑल्मो आया, तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब जर्मनी का पलड़ा थोड़ा भारी,
बिकॉज पेड्री इस यूरो में बहुत ही अच्छा खेला था भाई, लेकिन उसके वो ट्रेट्स नहीं दिख रहे थे बिकॉज गोल और असिस्ट नहीं था उसका, बट वो ही वॉज वेरी गुड यू नो। सो उसकी जगह आया डेनी ओल्मो, उसने मास्टर क्लास ड्रॉप कर दिया भाई। कुछ पछता रहा होगा कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों इंजर्ड कर दिया पेड्री को, ही ड्रॉप का मास्टर क्लास इन द यूरो। उसने भाई इतना अच्छा खेला ना भाई, डेनी ओल्मो को जितनी तारीफ करे उतनी कम है भाई। उसने वो असिस्ट दिया था, उसने वो गोल भी मारा था ये लामिन यामाल के, मतलब उसने एक कंप्लीट गेम खेला था डेनी ओल्मो ने। ये मतलब आज का जो प्लेयर था ना सबसे अच्छा प्लेयर वो डेनी ओल्मो ही था भाई स्पिन की तरफ से। डेनी ओल्मो की बात कर लिया हमने, सो उसके बाद करेंगे मिकेल मेरिनो की बात। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम में जब स्पेन ने अपने पूरे यंगस्टर जैसे कि लामिन यामाल, निको, पेड्री ऑब्वियसली पहले ही बाहर गया था, सो वो सब हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ भाई अब लग रहा था कि जर्मनी का पड़ा भारी है, बिकॉज जर्मनी वॉज वेरी गुड, जर्मनी वेरी गुड दिख रही थी भाई उस लाइनअप के साथ। और स्पेन के जो नहीं खेल रहे थे वो जो थर्ड मैच में खेले थे ना, जैसे हो गया टोरेस हो गया, वैसे बंदे खेल रहे थे। सो इट्स लाइक कि हाँ भाई अब तो जर्मनी कर देगी, बट ऐसा नहीं हुआ, जर्मनी ने नहीं कर नहीं सका वो। और मिकेल मरेनो ने वो गोल मार दिया 119th और 18th मिनट में आई गेस, एंड वो मैच जीत गए भाई, स्पेन जीत गया। और उसने वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन उसके पापा ने जो करी थी 33 वर्ष पहले वो उसने फिर से दोहरा दिया, एंड इट्स लाइक कि हाँ भाई मतलब वो आइकॉनिक है, बिकॉज वो सेम स्टेडियम में सेम उसके पिता ने वो किया और उसने वो किया, मतलब मींस इट्स लाइक इट्स समथिंग भाई, मतलब ये कुछ है ना इसमें। सो या इट्स लाइक दैट। एंड जर्मनी की बात करें तो जब पहले अपने उतनी अच्छी नहीं थी, स्पेन बहुत ही अच्छी थी, और स्पेन के मुकाबले मतलब बाकी टीम के मुकाबले बहुत ही अच्छी खेली थी, बट स्पेन के मुकाबले ये अच्छी नहीं थी। बट सेकेंड हाफ में ये बेटर हुई बिकॉज वर्ड जाए, जब साने गया और वर्ड जाए ना, फ्लोरियन वर्ड जब आया तब ये गेम बदला, तब ये जर्मनी की मतलब तरफ जाने लगा। वो मतलब बहुत ही अच्छा अटैक बना रही थी, और इसमें एक मतलब क्या बोलू, जर्मनी में मैंने देखा कि फुल क्रुक, हाँ भाई वही फुल क्रुक ने मतलब ज्यादा चांस मिस किए, मतलब बहुत ही ज्यादा चांस मिस किए, मतलब क्या बोला है भाई, मतलब यस यार उसने मिस किया है भाई। जर्मनी डिजर्व ने मतलब ऑब्वियसली स्पेन डिजर्व करती थी जाने के लिए, बट जर्मनी ये पेनल्टी शूट आउट में जा सकता था इवेंचुअली अगर फुल क्रुक ने उतने चांस मिस नहीं किए होंगे, बट या इट्स गेम यू नो, मिस कर सकता है अभी, उसमें क्या कर सकते हैं। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम यूरो का, एंड आई लव इट। सो अभी इसके बाद हम बात करेंगे, चलो भाई नेदरलैंड और टर्की के बारे में बात करते हैं। पहले तो वन ऑफ द एक्साइटिंग मैचेस ये भी था, यू नो नेदरलैंड जिस तरीके से खेली, थोड़ी गैकपो यू नो, उससे उम्मीद थी कि वो गोल मारेगा लेकिन उसने नहीं मारा, बट टर्की से मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज गुलेर भाई क्या खेला भाई वो बंदा, गुलेर और यिल्ज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, यिल्माज नहीं कह रहा हूँ, यिल्ज कह रहा हूँ, 19 नंबर है वो। सो वो भी बहुत ही अच्छा खेला भाई गुलेर के, वो फ्री किक भाई, ओह वाओ मैन, वो क्रॉस, उसके क्रॉस पे गोल आया था भाई गुलेर भाई, मतलब ये साई दिखता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा खेल रहा था भाई। सो या ऑब्वियसली ओन गोल खाया, शुरू में अच्छे खेल रहे थे और गोल भी मारा था, ये लीड थे भाई, और आई गेस मतलब 70 मिनट तक तो अच्छा ही खेल रहे थे, बट ऑब्वियसली वो डिविर्स का वो गोल आया, उसके बाद ओन गोल आया भाई, वो अनलक्की था, अब क्या करे भाई, उससे खींचना चाह रहा था लेकिन हुआ नहीं और गोल हो गया। उसके बाद हम आते हैं मिस चांसेस के, टर्की के मिस चांसेस, यू नो अगर आपने मैच देखा होगा मतलब 76 मिनट के बाद टर्की ने बहुत ही चांसेस क्रिएट किए, वो गोल होना चाहिए था भाई, ना अच्छा सीटर मिस किया ना उसने, डिवर्स ने उसके रोक दिया। उसके बाद वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था भाई, उसका नाम भी मैं भूल गया, वो बंदा मतलब पता नहीं भाई, वो आई गेस 7 नंबर का जर्सी वाला था, मोहम्मद करीम था, वो गोरा था भाई, और मतलब वो एकदम से रुक गया भाई, बॉल था पोस्ट खाली है भाई मारो ना, वो मतलब टाइमिंग खोज रहा है कि हाँ भाई इससे इधर से घुमाऊं या इधर से घुमाऊं, थोड़ा भाई शर्म कर लो भाई क्या कर रहे हो। सो या भाई अगर वो गोल गया था ये मैच अच्छा होता, अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता, पेनल्टी में जाता, आई गेस एक्स्ट्रा टाइम में भी हमें गोल देखने को मिला, बट देखने को मिलता लेकिन अभी नहीं मिला। और अभी नेदरलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, उनका मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड के विनर, जो ऑब्वियसली इंग्लैंड है, गलीच हराम बॉल खेलने वाली टीम, पता नहीं यार क्या हुए उनके, जब साका उतना अच्छा गोल मार सकता है तो भाई पहले क्यों नहीं करते तुम लोग, पहले मतलब क्यों नहीं भाई, तुम ट्रेंड को नहीं ले रहे हो, सिंपली बिकॉज कायल वॉकर के पास स्पेस है और वो एक सिक्योरिटी देता है, क्यों भाई क्या करते हो भाई, अगर तुमने कायल वॉकर जगह ट्रेंड को खिलाया होता ये मैच डिफरेंट होता भाई, बेलिंगम इतना अच्छा है तुम्हारे पास, साका इतना अच्छा खेल रहा है, फोर्डन भी ठीक ठाक ही था, मतलब कुछ होता है ना भाई मैच में भी, तुम खेलो ना भाई अच्छे, ऐसे खेल के तुम पहुंच रहे हो भाई, सब गालियां दे रहे हैं, बट ये मतलब एक बात है कि नॉकआउट में तुम जैसे भी हो जीतो, नॉकआउट और फाइनल तुम जैसे भी हो जीतो भाई, तुम जाए जितना गंदा खेल रहे हो, फ्रांस के एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड कप में भी वो इतनी अच्छी नहीं थी भाई, मतलब वो स्ट्रेट खेल रही थी, अगर आपने मोरक्को वाला मैच देखा है ना, फ्रांस वर्सेस मोरक्को, मोरक्को जितना डिजर्व करती थी भाई, मतलब फ्रांस ऑब्वियसली जीते थे बट मोरक्को भी डिजर्व करती थी जीतने, बट उन्होंने नहीं जीता बिकॉज मतलब वो इंडिविजुअल टैलेंट की वजह से नहीं जीता। तो आज भी वही हुआ, कोल पामर भाई सो कॉन्फिडेंट
लंगड़ा है बोल रहा हूँ, लड़का है भाई कोल पार्मर, सो या इट्स वेरी गुड, और पेनल्टी में जीता, सो मुझे ये बात अच्छी है कि हाँ भाई जीतो, चाहे जैसे भी जीतो ना नॉकआउट पे जीतो, और ये भाई ये कलयुग है और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जिस टीम में बेलिंगम हो, साका हो, फोडेन हो, सब है भाई, सब है, केन है भाई, वो मारा मारा बैठा हुआ 40-50 गोल, उसका आई गेस एक ही गोल आया इस यूरो में, कोल पार्मर बेंच में, एजे ट्रेंट है भाई बेंच में, ला ही नहीं रहे हो किसी को भाई, क्या कर रहे हो यार, सो या इट्स लाइक दैट, अभी क्या कर सकते हैं उसमें। एंड ये मैच मतलब ये जो सेकंड हाफ था ना इंग्लैंड का, ये वन ऑफ द बेस्ट सेकंड हाफ था उनका इस पूरे यूरो में, सो मतलब वो इतना अच्छा खेले, और सोचो गंदे क्या खेल रहे होंगे, वो कैसे देख रहे होंगे हम भाई, खून आया है भाई अपने आंखों से, सो या इट्स लाइक दैट यू नो। उसके बाद स्पेन, सॉरी स्पेन, स्पेन ही आ रहा है बिकॉज अच्छी खेलती है भाई, सो इंग्लैंड और नेदरलैंड फेस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आता है हमारा माइटी पोर्चुगल वर्सेस माइटी, माइटी नहीं फ्रांस, माइटी पोर्चुगल, पोर्चुगल अच्छा खेले भाई, पोर्चुगल माइटी ही थी भाई, और उनके पास पोजीशन भी भाई, उन्होंने आउट पोजिश किया था भाई पूरा पूरे मैच में, आई गेस 60-40 पोजीशन था, और शॉट्स ऑन टारगेट भी अच्छे थे, फ्रांस के भी शॉट ऑन टारगेट थे, लेकिन उतना अच्छा मतलब वो नहीं था कि यार थ्रेट नहीं था, ऑब्वियसली नहीं है, और किलियन एम्बाप्पे ने ये बोला था कि मुझे एडजस्ट करके दौड़ना पड़ेगा बिकॉज पोग्बा नहीं है, सो या भाई वो क्रिटिसिज्म था भाई उनका, तो वो जैसे भी दौड़ सकता था और पोग्बा उसको फाइंड कर देता था फ्रांस में पहले, लेकिन अभी नहीं कर रहा, एंड उस मतलब तुम अगर 25 साल के लौंडे हो भाई, तुम प्राइम में हो, तुम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो वर्ल्ड के, बेस्ट प्लेयर हो वर्ल्ड के भाई, भाई शांत हो भाई, यूरो में क्या कर रहे हैं भाई, भाई इस तुम्हारी उम्र में मेसी और रोनाल्डो भाई अकेले जीता देते सब कुछ भाई, अब यही है, अब क्या कर सकते हैं यू नो, सो ये एकदम गंदी गेम थी भाई, आंखें फट गए थे, सो या अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते भाई, सो फ्रांस वर्सेस, अभी सेमीफाइनल की बात करें, फ्रांस वर्सेस स्पेन, मुझे अभी लग रहा है फ्रांस ऐसे ही जाएगी, मतलब डेशॉम ने कुछ तो सोचा होगा ना भाई, ऐसे आराम बॉल कर सके जीत सकते हैं, तो वाई टू टेक रिस्क भाई, वो उसके बाद भी अच्छी है भाई, वो मतलब उस ये पहले मैच से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रांस पहले अच्छी खेली नॉकआउट में, नहीं भाई ये पहले मैच से ही हो रहा है, तो उसने भी कुछ तो सोचा होगा ना भाई, वो भी मतलब बढ़वा है भाई, वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप फाइनल पहुंच चुका है, नेशंस लीग जीता है, सो उसको भी पता है ना भाई क्या करना है, सो या उसने यही करा है, और आई गेस यही करेंगे स्पेन के सामने भी, और स्पेन को 90 मिनट में जीतना ही पड़ेगा भाई, और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, 90 मिनट में जैसे खेल रहे वैसे ही खेलेंगे, तो आई गेस फ्रांस का पड़ला तो भारी है, लेकिन स्पेन की आप कुछ मतलब वो स्पेन 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 है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो या इट्स लाइक दैट, एंड उसके बाद आता है नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, ये मैच अच्छा हो भाई, और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बस अच्छा हो जा, कुछ नहीं अच्छा मतलब एक डिसेंट गेम, एक एवरेज डिसेंट गेम देखने को मिले हमें, और कुछ नहीं मांगता मैं, एक अच्छा गेम तो होना पड़ेगा, सो या इट्स लाइक दैट, एंड अभी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे सेमीफाइनल में, और क्वार्टर फाइनल अच्छे थे भाई, अब मिक्स मैच ही है, सो पहले मैच बहुत ही अच्छा था, उसके बाद एक्साइटिंग था, एटलीस्ट वो पहले वाला नहीं था, एटलीस्ट पोर्चुगल फ्रांस एक थी कि हाँ भाई ये गंदी हो गई, लेकिन इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी ठीक ठाक ही था भाई, थोड़ा सा एंजॉय भी हुआ, सो या इट्स लाइक दैट, सो चलो ओके बाय बाय।